इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती महाराज ने थोड़ा छिपाकर करनी सुनाई। राम लखन दोबन धोबर रूप सील बलधा मखरा खेव सब साख जग जिते असुर संग। राम लक्ष्मण दोनों भाई अवध नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं। सौंदर्य देखिए, बलवान हैं और शीलवान हैं। बलवान व्यक्ति को आवेश नहीं आता, कमजोर व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है और जितना शीघ्र उसको क्रोध आता है डंडा बजते है उतनी शीघ्रता से समाप्त भी हो जाता है। क्या कहा? रूप शील बलधाम मखरा खेव सब साख जग जिते सुर भक्त का कार्य करने हेतु ऋषि मुनि साधु संत और स्वयं परमात्मा उपस्थित हो जाते हैं। भगत का कोई काम रुकता नहीं, बाधित नहीं होता। शरण में रहो। मिथिलापति गदगद हो गए। हे मुनिदेव, आपके श्री चरणों का दर्शन भया मैं अपने पुण्य को कह नहीं सकता। ये दोनों भैया ये तो आनंद के भी आनंद को बढ़ाने वाले हैं। क्या प्रेम है इनका। आहा, ब्रह्म जीव जैसा सहज स्नेह। अपने सौभाग्य को मैं क्या कहूं, कह नहीं सकता। मनदेव को प्रणाम करते हुए आशीष पाकर और जनकराज महाराज निज निवास को चले। इसके पहले सुंदर सदन, वहां गुरुदेव और परिकर समाज की व्यवस्था बनाई गई। ये मां के निवास है तो दिव्य स्थान, दिव्य वास। राज परिवारों में, श्रेष्ठ समाज में आज भी कौन कहां रहेगा उसकी बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई जाएगी। हम लोग गए थे पद्मनाभम मंदिरम दर्शन करने। वहां एक मार्तंड वर्मा करके राजा हुआ करते थे, थोड़े दूर आगे कोई जगह है वो। उनके राजमहल का दर्शन किया, पूरा काष्ठ से बना है। रानियों के स्नान का स्थान अलग है, वहां पुरुष प्रवेश वर्जित है। रानियों के खेलकूद की व्यवस्था अलग है। 1.5 घंटा लगा था राजमहल भ्रमण करने में। आप कभी ग्वालियर जाएं, वहां भी जो महाराज सिंधिया ने निर्माण किया है वो भी बहुत सा व्यवस्थाएं अलग अलग है। अब तो समेट दिया लोगों ने, उसको म्यूजियम बना दिया है। एक बड़ी अलौकिक बात, रानियां बाहर कोई उत्सव हो उसका दर्शन करना चाहें तो रानियों को तो उत्सव का दर्शन होगा, बाहर के लोग रानियां हैं इसका दर्शन नहीं कर सकते। ऐसी सुंदर व्यवस्था, सब कास्ट का है। एक साथ 5,000 लोग बैठकर प्रसाद लें, इतनी बड़ी पंगत की व्यवस्था है। कहते हैं वस्तुशास्त्र वस्तुशास्त्र, अरे 250-300 साल पहले कौन सा वस्तुशास्त्र था? ये वैदिक वस्तुशास्त्र। हम लोगों को बीमारी हो गई है,
जानते हैं काहे की? विदेशी है। अरे ये तो धन्यवाद करिए बाबा रामदेव जी का कि विदेशी के ऊपर पटक के चढ़ बैठे स्वदेशी। हाँ, ये पक्षी यक्षी का पते नहीं कहाँ चली गई। बाबा ने जूस फल पेस्ट सब निकाल दिया। जहां जाइए वहीं बाबा पाए जाते हैं। हम तो साबुन तेल बटखरा लेके चलते हैं, लेकिन बहू रानी ने हमारे बाथरूम में भी सब क्या है, ये क्या है तेल पतंजलि, ये क्या है साबुन पतंजलि, अरे पतंजलि, जहां देखो वहीं पतंजलि, ये क्या कहते थे कैसे, ये ऐसा प्रोडक्ट वैसा, बाबा ने ऐसा बनाया कि सबके ऊपर चढ़ बैठे, सब परेशान है, हमारा तो बजटे डाउन जा रहा है। बाबा कहते हैं हमारा कोई बजट नहीं, हमारा बजट स्वदेशी है, है? हमको स्वाभिमान अपने प्रति होना चाहिए। नहीं साहब, ये क्या है, ये दिव्या विदेशी है, ये कौन सी उपलब्धि है क्या? देश पर, धर्म पर, संस्कार पर, सभ्यता पर अपना स्वाभिमान होना चाहिए। हम बार है देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, सांस अपनी। अब तो लगता है कि हम लोग भी कुछ है, नहीं तो लगता है तो सब विदेशी वाले हैं का है? जानते हैं? जितने का सामान नहीं उसके 80% प्रचार का व्यय होता है सामान पर। यदि ये सामान 10 रुपए का है तो इस पर 80 प्रचार यानी कितने का हो गया, 90 रुपए का, 10 रुपया 80 रुपया प्रचार का बजट है। टेलीविजन का प्रचार, होर्डिंग का प्रचार और न जाने काका का प्रचार, एक 10 रुपए का सामान 80 रुपया उस पर एड बजट है। क्या है? देश प्रेम हो तो थोड़ा कुछ मध्यम भी होगा तो चलेगा, देश का भला तो हो रहा, देश का मंगल, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो हमारे द्वारा अर्जित पूंजी भारत में तो है, बाहर तो नहीं जाएगी, ये बोध होना चाहिए सर्वत्र। थोड़ा कम भी लगता है तो चलो, हमको हमारे देश पर, धर्म पर, संस्कृति पर और संस्कार पर अभिमान होना चाहिए, ये हमारा है, हमारे देश का, विदेश का नहीं। हम तो जाते नहीं हैं, जाग्र्याम पुरोहिता, ऋग्वेद नहीं, परम सिद्धे आचार्य श्री राम शर्मा, अभी वेदोदाप जाना तो हम कहाँ जाएं। परम सिद्धे आचार्य श्री राम शर्मा जी ने ऋग्वेद से घोष निकाला, वयम राष्ट्र जाग्र्याम पुरोहिता। अरे भला मंगल हिंदी में समझिए, अपना अच्छा, दूसरे का बहुत अच्छा तो अपने किस काम का, अपना अच्छा। एक भाई एक दिन हमारे घर आए 2 साल पहले, बोले एक ऐसा पेस्ट लाया हूं, एक पेस्ट में घर भर करेगा। हमने कहा कितने पैसे का है, बोले 700 रुपए का है। हमने बच्चों को बुलाया, भाई ये पेस्ट करोगे आप लोग, कितना लेना है, बोले इतना सा लेना है। बिटिया हमारी बड़ी तेज है, बोली हमारा इतने से कम में तो काम नहीं चलता है। जानते हैं ब्रश में पेस्ट थोड़ा लगाया जाता है, थोड़ा, लेकिन हम लोग जब तक पूरा ना भर जाए तो कोई करता है नहीं, अधूरा कोई काम नहीं हम आप करते हैं, सावधान, ये समझने की है। परंतु ऐसा नहीं, अपने देश, अपना संस्कार, अपनी संस्कृति,
अपनी मातृभूमि, इस पर हमारा स्वाभिमान आई। भगवान गुरु सानिध्य में वास करते हैं सुंदर सदन में, भोजन विश्राम। 5 बजा तो गुरुदेव ने कुछ कथा प्रसंग प्रारंभ किया, थोड़ा हो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा नित्य कुछ सत्संग होना चाहिए जीवन में। प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज ने लिखा है, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्रेम ललक जगे कि हमको कुछ भगवत कथा सुननी है, करनी है, गानी है, आ पानी है। कथा प्रसंग प्रारंभ हुआ तो प्रभु और भैया जी दर्शन कर रहे, श्रवण कर रहे हैं, आनंद हो रहा, बढ़ रहा, आनंदित हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा इधर उधर देखे, सरकार समझ गए कि लखनलाल का मन उचट रहा है, बहुत देर नहीं बैठ सकते। बच्चे कितने देर बैठते, घंटा एक घंटा आध घंटा, जहां मन नहीं लगता है ना वहां बैठने का भी मन नहीं करता। प्रभु राम अनुज मन की गति जाती, मेरे प्रभु भैया जी के मन की गति समझ गए। भक्त वत्सल भगवान हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान से निवेदन किए, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को नगर दर्शन करा लाऊं। गुरुदेव मुस्कुराए, सोचने लगे कि दर्शन तो तब कराएंगे आप जब आप पहले कर गए होंगे, हमारे साथ आप आए तो आप दर्शन क्या कराएंगे। परंतु गुरुदेव ने प्रशंसा की, okay, क्या हे राम जी, आप क्यों नहीं नीति की रक्षा करेंगे, आपका तो अवतार ही धर्म पुल की रक्षा के लिए हुआ है। आप प्रेम के वशीभूत होकर भागवत को आनंद रस प्रदान करते हैं, इसलिए दिखाना नहीं है, देखना और दिखाना। क्या जाय देखिया बहु नगर सुख निधान दो करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। जितना देखना हो देखिएगा, नगर के स्त्री पुरुष नर नारी सबको अपना सुंदर बदन दर्शन कराकर और शीघ्र आइए। ये नगर दर्शन की परंपरा यहीं से प्रारंभ है, जानते हैं ना, आपके यहां भी होता होगा, कभी रामलीला होती होगी, कभी दुर्गा पूजा होती होगी, सरस्वती पूजन होती होगी, कोई भी उत्सव करते हैं, भगवान बाल मुकुंद का डोल रखते हैं पूजन, तो नगर दर्शन की विधि है। पूजन हो गया, नगर दर्शन कराओ, क्यों, उसकी महिमा ये है कि जो लोग दर्शन के लिए श्री मंदिर और पांडाल में आ गए वो तो आ गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो दर्शन करने आ नहीं पाते हैं, तो भागवतों ने निर्णय लिया उन जीवों को जो चल के नहीं जा पा रहे हैं भगवान नगर भ्रमण करके सबको कृत कृत्य कर देते, इसलिए विधि बनाई गई। विरोध नहीं करिए, काष्ट विग्रह, अर्चा विग्रह, भाव विग्रह, किसी का विरोध न करो। कई लोग इसी से परेशान रहते हैं, क्या दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, गणपति बप्पा मौर्या, आओ हमरे बोरिया, का का चाहे जिसका विरोध करने लगते हैं,
इसकी क्या आवश्यकता है। कलिकाल में इसकी महती आवश्यकता है। मनुष्य जब तक देखता नहीं है तब तक उसको विश्वास नहीं होता। क्या नहीं आवश्यकता है? एकदम आवश्यकता है। मूर्ति होनी चाहिए, मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए, मूर्ति का पूजन होना चाहिए, मूर्ति का दर्शन होना चाहिए, तांता लग जाना चाहिए, हर विग्रह का आदर हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।